इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के खुडैल थाना क्षेत्र में वर्ग विशेष के पूर्व कांग्रेस सरपंच ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक दलित युवक का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर जमकर पीटा। फिलहाल पूरे ही मामले में दलित समाज ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंप कर पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। पूरा मामला इंदौर के खुडैल थाना क्षेत्र का है। खुडैल थाना क्षेत्र में एक दलित युवक सुमित का अपहरण कांग्रेस के पूर्व सरपंच शेख अजीज व उसके अन्य साथियों ने किया, उसके बाद उसे बंधक बनाकर जमकर पीटा। वहीं जब पूरे मामले की जानकारी युवक के परिजनों को लगी तो वह पूर्व सरपंच शेख अजीज के पास पहुंचे तो इस दौरान उसने युवक को छोड़ने से मना कर दिया और युवक को छोड़ने के लिए उसने 3 लाख रुपए की डिमांड करी। इसके चलते युवक के परिजनों ने मकान को गिरवी रख 3 लाख रुपए इकट्ठा किए। इस दौरान शेख अजीज ने युवक और उसके परिजनों को यह धमकी भी दी कि यदि इस पूरे मामले की कहीं शिकायत की तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। फिलहाल डर के कारण परिजनों ने गांव को छोड़ दिया और अपने रिश्तेदारों के वहां पर रहने लगे। लेकिन इसी दौरान पूरे मामले की जानकारी जब बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार सहित अन्य लोगों को लगी तो उन्होंने पूरे मामले में परिवार को यह आश्वासन दिया कि वर्ग विशेष के पूर्व कांग्रेस के सरपंच शेख अजीज आजाद शेख असलम के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। जब समाजजनों ने यह आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया तो उसके बाद पीड़ित परिवार उनके साथ आया और पूरे मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर को की। वहीं पुलिस कमिश्नर ने भी इस पूरे मामले में परिवार को आश्वासित किया है कि जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं पूरा मामला ग्रामीण क्षेत्र का होने के कारण पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले में प्राथमिक तौर पर पलासिया थाने पर युवक का मेडिकल करवाने के आदेश दिए। तो वहीं पूरे मामले की जानकारी ग्रामीण एसपी को भी दी गई और इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में ग्रामीण एसपी जांच के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। 3 दिन पहले सुमित मालवी को घर से उठाकर ले गए शेख अजीज, शेख आजाद, लतीफ पटेल, असगर पटेल और उसके 3-4 गुंडे और उठा के ले गए। घर पे ले जाके बांध करके रात भर से बहुत बेरहमी से मारपीट करी, जिसके चिन्ह आपके सामने मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से बुरी बेतरदी से बहुत बेतरतीब तरीके से इस बच्चे के साथ मारपीट करी। और इसके पिता को सवेरे फ़ोन लगा के शेख अजीज ने बोला कि भाई तुम आओ और 3 लाख रुपए लेकर आओ और तुम्हारे बच्चे को ले जा। ये पिता रोते भी लगते वहाँ पर पहुँचे हैं और मान मनुहार करी कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। बाकी उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने इनकी मोबाइल भी छीन लिया और बाइक भी छीन ली और इनको बोल दिया कि अगर पुलिस में कंप्लेन करी तो जान से मार देंगे, 3 लाख रुपये लगेंगे। तो ये जैसे तैसे अपने बच्चे को लेकर आए और ये 2 दिन तक तो बहुत भयभीत थे। आज इन्होंने मेरे से संपर्क करा, मैं आज इस बच्चे को लेकर माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय इंदौर से मिलना आया हूँ और मैं न्याय की अपेक्षा लेकर और उम्मीद के साथ में आया हूँ कि इस बच्चे को न्याय मिले और आतताई और जो अत्याचारी है उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। कार्रवाई की मांग करें, मेरी मांग है कि शेख अजीज और उसके साथी गुंडों पर रासुका की कार्रवाई की मांग हो, रासुका की कार्रवाई की जाए और उन्हें जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि वो दोबारा इस ऐसे निरअपराध बालक के साथ में अत्याचार और शोषण नहीं करे। ये मामले की शिकायत हुई है क्या? अभी तक नहीं हुई, डर के मारे दोनों, ये पिताजी हैं, ये बेटा है, ये दोनों कहीं नहीं गए डर के मारे। ये तो हम हौसला देकर हिम्मत देकर हम लेकर आए इनको पुलिस कमिश्नर के पास। सामने आया अभी तक इस पूरे मामले, ये चुनाव का विषय आ रहा है सामने कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया था और वो कांग्रेस से सरपंच है, तो वो सरपंच है जो कांग्रेस के मानसिकता के हैं और कांग्रेस से हैं और इन्होंने उनके खिलाफ काम किया था तो रंजिश के कारण उन्होंने इनके बेटे को अपहरण करके मारा है, ऐसा अभी इनके पिता ने बताया। तो जहाँ तक ये चुनावी रंजिश में जो बदला लेने की भावना है वो इस तरह से की गई है और ये बच्चा जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त है और अगर ये विक्षिप्त नहीं भी होता तो भी उन्होंने जो अत्याचार और अन्याय किया उनको कड़ी सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मांग को लेकर हम भलाई समाज के माध्यम से अखिल भारतीय भलाई महासंघ के नेतृत्व में माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय को ज्ञापन भी देने आए और मिलने भी आए और ये हमारी मांग है कि उन पर रासुका की कार्रवाई की मांग हो। सर इसको इसने बताया 2-2:30 बजे रात को इन्हें दरवाज़ा खटखटाया किसी ने इनको और बच्चों को ले गए। जब मेरे को सूचना मेरे को सुबह 5:20 पर कॉल आता है बच्चे के मोबाइल से, अजीत सेठ नाम शेख अजीत सेठ ने लगाया वहाँ पर और उनने मेरे को कि आप खेत पे आ जाओ। खेत पे मैं गया तो उनने 3 लाख रुपये डिमांड रखी मेरे से और उस एवरेज में मेरी मोटरसाइकिल और बच्चे का मोबाइल वहीं पे उनके पास में रखा। ये आप
3 लाख रुपये दे जाना और बच्चों ये आपकी मोटरसाइकिल और मोबाइल नहीं पहुँच गया। तो आपकी क्या रंजिश हुई सर? पुरानी चुनावी रंजिश हुई थी, आज से 5-6 साल पहले की बात है। सोसाइटी के चुनाव में इनको मैंने अध्यक्ष पद के लिए समर्थन नहीं किया था और हमने दूसरे अध्यक्ष को समर्थन किया था, जब से इनकी हमारी रंजिश है। आपने वहाँ नज़दीकी थाने पे पुलिस को सर उनने मेरे को इतना धड़ा धमका रखा, बेटों को भी इतना चमका रखा था, अगर पुलिस के पास गए तो दोनों बाप बेटों को गोली से मार देंगे। आपका नाम? मेरा नाम महेश मालवी, खुड़ैल बुजुर्ग। कहाँ का मामला है? यह खुड़ैल बुजुर्ग का। कब हुआ था ये मामला? यह कल रात को सर। बच्चा पढ़ाई वढ़ाई करता है क्या? बच्चा भी मोटर वायरिंग का काम करता है सर। ये किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, ये बेटा बाहर गया, वहाँ पे जैसे गया ऐसा मुंह दबा दिया उनने, ने इसको गाड़ी में डाल को ले गए। अपराधी रिकॉर्ड है इनका, ब्याज से पैसे देना और ज़मीन लिखवा लेना किसी की और उस ज़मीन पर कब्जा कर लेना, इसका सबूत अभी भी है वहाँ पे, जिसकी अवैध रूप से ज़मीन कब्जा कर रखी है। इसके पहले आपको भी कुछ धमकियाँ वगैरह मिली थी क्या? चुनाव में सर धमकियाँ मिली थी कि हमको समर्थन दे दो आप, नहीं तो हम आपको जान से मार डालेंगे। कौन सी पार्टी के लोग हैं ये? कांग्रेस से आते हैं सर ये।